तो व्हाट्सअप एवरीबडी चाल सत नु सत बच्चे नु हैलो आदित्य बाली एक बार फिर से आपके लिए न्यू व्लॉग लेकर आया है इस व्लॉग को पूरा देखें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें मिलते हैं करते हैं शुरुआत सात श्रीकाल जी कि सारे मैं तबा ली चलो करिए शुरुआत अपना नए ब्लॉग की अज मैं थोड़े पास एक इदादार अज आज, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो एक बजट प्रूफली है और हाँ ये चीज़ आपकी जरूर काम आएगी बोएज़ के काम तो भाई जरूर है बोएज़ के लिए स्पेशल वीडियो है आज मैं लेके आया हूँ जिलेट का मार्क थ्री जो एक ऐसा वैसे तो जिलेट के ढेर सारे बहुत सारे पाँच सात दस प्रोडक्ट आते हैं मुझे नहीं पता इतना क्योंकि मैंने कभी किसी पे स्टडी नहीं की मैंने सिर्फ एक जिस दिन मैंने रेज़र लेना था उससे दो दिन पहले मैंने एक अच्छी स्टडी की कि भाई मेरे फेस पे पिंपल होते हैं तो पिंपल को फट जाए तो आपको पता है कट कुट ना लग जाए तो कौन सा बेस्ट रहेगा तो मैंने जब इसका रिव्यू देखा भाई साहब एक ऑसम awesome रिज़ल्ट देखा और बहुत भाइयों का भी व्लॉग देखा यूट्यूब पर वीडियोस देखी इसका एक ऑसम awesome रिज़ल्ट है और बाकी भाई साहब मैं तो इसको यूज़ करता हूँ आप भी आज ही जाए मार्केट जाए आज ही जिन जिन भाइयों के फेस में पिंपल है और करना चाहते हैं शेव और उनको डर होता है हमेशा कि यार मेरा पिंपल है यार कौन करे शेव यार ट्रिमर ले लेते हैं ट्रिमर ले लेते हैं लेकिन ट्रिमर से अच्छी ढंग से नहीं कटती भैया हमने आजमा के देखा है लेकिन हाँ आप ये तो सोच रहे होंगे भाई ये बंदा बोल रहा है क्लीन शेव के लिए लेकिन खुद तो करता नहीं भाई साहब देखो बात ऐसी है मेरे को मैं कुछ टाइम पहले शेव करता था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता और भाई हर एक फेस पे कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए इसके लिए हमने एक न्यू व्लॉग बनाना है बहुत जल्दी कि कौन से फेस पे क्लीन शेव जचेगा बंदा कौन से फेस पे बी जचेगी कौन से फेस पे ज़ीरो नंबर जचेगा कौन से फेस पे दो नंबर की बेड जचेगी भाई इसके लिए फुल स्क्रिप्ट तैयार है बस वीडियो बनाने की देर है व्लॉग बनाने की देर है तो गाइज़ मैं इसको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ इसलिए मैंने यूज़ किया इसको और मेरा एक्सपीरियंस सच बोलूँ गाइज़ मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलता ना झूठ बोलूँगा मैंने अभी तक थ्री मंथ्स हो गए इसको लिए हुए मैंने एक डीप रिसर्च मैं हमेशा गूगल में पहले सर्च करता हूँ और पूरी एक जियोग्राफी बनाता हूँ एक हिस्ट्री बनाता हूँ सॉरी सॉरी जियोग्राफी गलत वर्ड आ गया यार कोई नहीं चक्कर छोड़ दो जियोग्राफी नू हिस्ट्री अपा बना पहले तो हिस्ट्री बनाने के बाद मैंने भाई को भी अपने रेकमेंड किया जिसका नाम है राहुल शर्मा तो उससे भी गाइडलाइन ली तो उसने कहा हाँ यार अच्छा प्रोडक्ट है बिल्कुल सही प्रोडक्ट है और अच्छा रिव्यू है इसका इंटरनेट में भी देखा जाए और फ्लिपकार्ट में भी इसके अच्छे स्टार ग्रोइंग रिव्यू है तो वैसे ही मैंने मार्केट गया और मार्केट में लिया और ज़्यादा महंगा नहीं है भाई सब बजट प्रूफ ली है एक कितने एक डेढ़ सौ तक का मिल जाएगा मेरे हिसाब से हाँ दो सौ से थोड़े कम हाँ सौ डेढ़ सौ तक का मिल जाएगा लगभग मार्केट में और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा इसका फ़्लिपकार्ट का और अमेज़ोन का ओ, ये है जीलेट मार्क थ्री इसमें एक्चुअली टेन शेव्स हो जाती है एक ब्लेड चलता है टेन शेव्स एक ब्लेड से टेन शेव्स हो जाती है और इसका एक अच्छा बेनिफिट क्या है जैसे सपोज आपके फेस में पिंपल है एक्ने है और आपका फेस काफ़ी सॉफ्ट है Miss, मैंने बहुत से प्रोडक्ट मैंने एक इससे पहले एक और प्रोडक्ट यूज़ किया था जिलेट का मुझे अभी याद नहीं है जब याद होगा तो मैं पक्का उसका नेम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो गाइज उससे ना एक्चुअली क्या होता था जब मैं स्टार्टिंग में शेव करता था तो गाइज मेरी हार्ड हो गई थी ये स्किन और जब मैंने बेड मेरी थोड़ी थोड़ी आई जब मैंने बेड बढ़ाई तो यार काफ़ी ख़ारिश होने लगती थी मिस कहते हैं ना गाइस जब हार्ड हो जाती है ना स्किन जैसे सपोज क्लीन शेव है आपकी ठीक है क्लीन शेव है तो जब आप काटते हैं उसको बियड जैसे शेव किया आपने इस पैसे से शेव की तो उस पे ना जैसे आप बिल्कुल फ्रेश हो गए जब तक फ्रेश नहीं हो ना ना तब तक उसमें ना यार इधर ख़ारिश होने लग जाती है क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत हो रही थी तो मैंने एक मेरे फैमिली डॉक्टर है और मैंने ऑनलाइन भी स्टडी की तो उन्होंने कहा यार बी एड रखो आप तो मैंने बी एड रखी और वैसे भी मुझे काफ़ी गर्ल्स ने कहा था काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा था आप पे बी एड शूट करती है भाइयों ने कहा था भाई साहब शूट करती है मैंने कहा ओके कर लेते हैं मैंने बी एड रखी लेकिन हाँ मैं अभी भी इसको यूज़ करता हूँ यूज़ कहाँ करता हूँ ये बता देता हूँ भाई साहब ये बनाना पड़ता है ना खत ओ पंजाबियन पंजाबी तो मुझे पहले तो माफ़ कीजिए मैं बीच में पंजाबी यूज़ करूँ क्योंकि मैं पंजाबी मेरे मुंह से निकल जाती है यार अब मुझे आपको मैं मिमिक्री करूँ जो मर्ज़ी करूँ मैं आपको पंजाबी मेरे मुंह से निकल निकले जाऊँगी भ्रावाओ चलो फिर अपने हमने सोच समझ के ये प्रोडक्ट लिया ठीक है जी दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जिलेट ते अगर जिल्ट बोलूँगा, तो आप के वीर बन के थोड़े तो अगे कर देंगे सानू की है सानू पैसा दे दो आप कर देंगे सानू की आप बना देंगे ब्लॉग यार बना देंगे कोई गल नहीं ठीक है जी गाइज इसमें एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट मैंने क्यों लिया एक्चुअली बॉस इसमें ये जो है ना ये स्प्रिंग लगा हुए हैं यहाँ पे स्प्रिंग लगेगी कि क्या लगे मुझे नहीं पता इसकी साइंस तो अब खोल के देखनी पड़ेगी पर लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता है ये इंजीनियर भाइयों को ज़रूर पता होगा इंजीनियर भाइयों कमेंट ज़रूर करें अगर पता है नहीं पता है तो कोई बात नहीं हम तो भाई मेडिकल के स्टूडेंट हैं हमें इस बारे में नहीं पता हम सिर्फ लेते हैं यूज़ करते हैं बात ख़त्म ठीक है जी क्या साइंस है इसके बीच की और इसको सीधे भी कर लेते हैं नीचे से ऊपर को भी यूज़ कर सकते हैं यही तो बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है और एक ब्लेड चलता है टेन शेप्स के लिए ठीक है गाइज अगर आपको पसंद आए वीडियो अगर आपको पसंद आया है ये जिलेट का मार्क थ्री तो आप आज ही जाइए मार्केट खरीदिएगा और बजट प्रूफली है यार बजट प्रूफली चीज़ लाता हूँ मैं अगर ठीक है ना गाइस वीडियो करते हैं एंड वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो डट के सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई चैनल को कर दो पहले सब्सक्राइब साथ में कर दो बेल आइकन को प्रेस लाइक कर दो वीडियो में कमेंट कर दो शेयर कर दो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो और साद भी। भी लग रहे कैंट लग रहे सोहने लग रहे क्यूट लग रहे आकर करके जरूर दस्यो फिर तो न्यू व्लॉग लैके आउंगे फ्रैश न्यू व्लॉग एपिसोड व्लॉग वीडियो लेकर आएंगे न्यू रिव्यू या अनबॉक्सिंग के साथ चलिए चलते हैं